सब लोग खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें आबाद रहें, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है चिकन बघारे। जाहिर है नया लग रहा होगा जुमला, लेकिन ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसको ट्राई करेंगे मजा आएगा। अच्छा ये देखें, ये चिकन लिए मैंने, लेकिन ये हड्डी वाली चिकन लेनी है, बोनलेस नहीं है, ये है पूरी होल चिकन एक, ठीक है। और इसको हम पहले जो फ्राई करेंगे, तो ये जीरा, ये मैंने भर के एक चमचा लिया है, खाने वाला टेबल स्पून। ये चंद पत्ते हैं, तकरीबन 10-12 पत्ते कड़ी पत्ते के हैं, और ये दो खाने के जो चमचे हैं टेबल स्पून हीट भर के लहसुन अदरक पेस्ट है, और आधा कप इमली का पेस्ट है, एक कप ये योगर्ट या दही, और ये जो है ये जो आपको पेस्ट नज़र आ रहा है ये है पीनट पेस्ट। इसको मूंगफली को जो छिलके वाली होती है उनको आप लेके हल्का सा पैन में रोस्ट कर लें, उसका छिलका उतर जाए तो फिर इसको आप पीस लें, जो ये ऐसे पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक। ये प्याज है, 1.5 प्याज है, इसको हम पीसेंगे उसका हम ग्रेवी के लिए, और ये हरी मिर्चें हैं ये इसमें जाएंगी। अच्छा, और ये जो है ये है खशखश, ये मैंने हल्की सी पैन में रोस्ट किया है फिर इसको पाउडर फॉर्म में पीस लिया है, और ये है राई दाना, ये भी एक चमचा भर के खाने वाला जो टेबल स्पून होता है ये भी टेबल स्पून है, ये वाला भी खशखश भी टेबल स्पून है, ये भी टेबल स्पून है एक, इसको भी मैंने इसी तरह से हल्का सा भुना है और इसको पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, और एक जो टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून चिली पाउडर, और ये हल्दी टर्मरिक 1 टेबल स्पून, और ये नमक है, नमक हज भी ज़रूरत है। चले आप स्टार्ट करते हैं, कैसे दिखा रही हूँ आपको। चलिए जी, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तेल अपने हिसाब से डालें, लेकिन इसमें ज़रा सही डलेगा तेल, ठीक है। तकरीबन ये जो बनाने वाला खाना पकाने वाला जो चमचा होता है ये तकरीबन 2 हीट भर के, ये देखें इसमें पहले आप जीरा डालें, ये कड़ी पत्ता, और वो मैंने आपको जो साबुत प्याज दिखाई थी वो मैंने पीस लिए, ठीक है, ये भी चुनी जाएगी। इसको ज़रा हल्का सा भूनेंगे फिर इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए ज़रा ये प्याज थोड़ी सी, इसका कच्चापन दूर हो गया है प्याज का, और ये जो हल्दी है ये मैं डालूंगी इसके अंदर, खाली हल्दी डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं चिकन भी डालूंगी। ये इसमें चिकन, अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे फिर इसको चूल्हे को हल्का करके इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ेंगे। चिकन अब हमारी ज़रा हल्की आंच पे हमने रख दिए, वो गल रही है, तब तक हम ये पेस्ट बना रहे हैं जो हम इसमें डालेंगे। ये दही है, और दही के अंदर ये जो मैंने पेस्ट बनाया था उसका मूंगफली का, ये वो है, सही, ये डाल दिया हमने, ये इमली भी इसी में जाएगी, और ये जितने भी ड्राई हैं सारे मसाले ये भी इसी में जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसमें धनिया पाउडर है, मिर्चें हैं, और हल्दी हम पहले डाल चुके हैं, मिर्चें हैं, धनिया है, खशखश है, राई है, और मूंगफली है, और गरम मसाला, ठीक है। ये सारा पेस्ट बन गया दही के अंदर, हमने इसको अच्छी तरह मिला लिया इमली वगैरह के साथ। जब चिकन हमारी थोड़ी सी अदगली हो जाएगी फिर हम ये डालेंगे और उसको गलने के लिए छोड़ देंगे।
से देखें, ये हैलोपिनो मिर्चे हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको आप चीरा लगाएं, ठीक है, इस तरह से। और ये पेस्ट मैंने अभी बनाया है, ये थोड़ा इसके अंदर भर लें। ये हम चिकन में डालेंगे तो बड़े अच्छे मजा आएगा इसको खाने में। चलें अब हम चिकन देखें कैसी है। ये देखें चिकन को, इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, थोड़ा ही पानी रह गया है। अब मैं इसके अंदर ये जो पेस्ट बनाया है मैंने वो डाल रही हूँ, फिर वो इसके साथ चिकन गल जाएगी आराम से। ये देखें, ये पेस्ट दिखाया था आपको मैंने जो बनाया था, ये सारा इसमें डाल दूँ। ये देखें सारा पेस्ट डाल दिया इसके अंदर मैंने, इसकी ये शक्ल आ गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा ढक के पकने दूंगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। चलिए अब हम चिकन देख रहे हैं, माई चिकन कहाँ तक पहुँची। ये देखें ऑलमोस्ट ये तैयार होने पे आ रही है, और उसका मसाला देखें ग्रेवी उसकी ज़रा गाढ़ी हो गई है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये जो मैंने मिर्चें भरी थी ये डाल रही हूँ। और इसको तकरीबन अभी 5 मिनट और रखूंगी मैं, और फिर इसको मैं उतार लूंगी। तैयार है। अच्छा जनाब, ये देखें हमारी चिकन तैयार हो गई है, ये देखें। और इसका आप ग्रेवी देखें, पर इससे ज़्यादा ना इसको पतला रखना है ना गाढ़ा रखना है। अगर आपको चपाती के साथ खाना है, तो गाढ़ा और रख लें। और अगर चावल, वैसे मोस्टली लोग चावल के साथ खाते हैं, तो आप चावल के साथ सर्व करें तो इसका ये ग्रेवी सही है, ठीक है। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, ये तैयार। अच्छा देखें व्यूवर्स, ये हमारा बघारे चिकन जो है वो तैयार हो गए हैं, और ये हम इसको ब्राउन राइस के साथ हमने इसको सर्व किया, ठीक है। ये देखें आप इसको अच्छी तरह से, और आपको उम्मीद है ये पसंद आएगी। ये रेसिपी मेरी बहुत आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, और इसको खाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ा करें कि भी कैसा लगा, क्या है क्या नहीं है। अपने जानने वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करें, हमको भी खिलाइए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, और बाय।